वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सर्कल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और जिनको जनरल साइंस का सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे भी शुरू कर सकता हूँ कि टॉपिक वाइज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करके मैं चैप्टर वाइज शुरू कर सकता हूँ एक टॉपिक को, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ है ऐसे जिसमें आप चैप्टर वाइज लर्न कर सकते हैं, सो उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि कोई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे क्या हुआ कि आपका जो कंसेप्ट है उस क्वेश्चन के रिलेटेड आप उस पर फोकस्ड हो गए, सो इस तरह से हमें हमारा टाइम सेव हो सकता है। आप इस किसी भी टॉपिक की डिटेल गूगल करके और यूट्यूब पे और भी वीडियोस हैं किसी टॉपिक को डिटेल में जरूर लर्न कर सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट्स की इन छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। साइंस, अभी हम साइंस से शुरू करते हैं, बीच बीच में किसी और सब्जेक्ट के भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा ताकि आप अच्छे से लर्न कर सकें। सो आज मैं इसमें आपसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा या नेक्स्ट कोई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूँगा जिससे 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, हार्डेस्ट मीन सख्त पार्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारे टीथ में यानी दांतों में जो एनिमल होता है जो कि ऊपर एक लेयर्स होती है उसको टूथ एनिमल कहते हैं। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है। और ये टूथ एनिमल है, इसका जो हार्डनेस जो इसमें आती है वो इसलिए आती है क्योंकि इसमें हाई मिनरल कंटेंट होता है। हाई मिनरल कंटेंट की वजह से टूथ एनिमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इसके रिगार्डिंग अगर पूछा जाए कि हार्डेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में हार्डेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है। फीमर यानी हमारी थाई की लॉन्ग बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन भी होती है बॉडी में और हार्डेस्ट बोन भी वही होती है जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इन बॉडी आर वाटर सोलबल। तो विटामिन से काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई विटामिन से एक आधा क्वेश्चन जरूर ही किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो विटामिन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है विटामिन क्या होते हैं और उनको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक कुछ विटामिन होते हैं वाटर सोलबल विटामिन, कुछ विटामिन होते हैं फैट सोलबल विटामिन। वाटर सोलबल मीन्स वो वाटर में सोलबल है, उनकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी थी कि वो वाटर में सोलबल हो सकते हैं। और कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में सोलबल होते हैं, फैट में डिजोल्व हो सकते हैं। सो जो वाटर सोलबल विटामिन होते हैं वो दो तरह के हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बी में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, लाइक B1, B2, B3, B4, B6, B12 एटसेट्रा और विटामिन सी। सो बी कॉम्प्लेक्स में जितने विटामिन आते हैं और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सोलबल हैं। इसके अलावा जो फैट सोलबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो वो होते हैं फैट सोलबल विटामिन। सो आपको विटामिन क्या होते हैं, फैट सोलबल और वाटर सोलबल विटामिन में डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। सो फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसका केमिकल फार्मूला है इसके लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी पुराने टाइम में ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर इस जो एनेस्थीजिया देते थे, यानी जो बेहोश करने वाली जैसे गैस होती है, इस तरह N2 एक एनेस्थेटिक गैस है जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे इसमें हमें याद ये रखना है कि एक तो लाफिंग गैस कौन सी है जिसका फार्मूला है N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज में थे कि कई बार
NO2 दिया होता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो आप दोनों को इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है. दिस इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीन्स नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं इसमें और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसे N2O के नाम से जाना जाता है, यानी लॉकिंग गैस है. सो लॉकिंग गैस का फार्मूला हमें याद रखना है N2O और इट इज नाइट्रस ऑक्साइड. आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन से ऑर्गन में इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है. तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में एब्डोमन यानी पेट में एक ऑर्गन होता है जिसे पेनक्रियास कहते हैं. पेनक्रियास के में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं. उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स. सो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स द्वारा होती है. अब कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी एक डायबिटीज बीमारी होती है जिसे डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, जो इसमें ब्लड शुगर हाई हो जाती है, तो वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है. सो डायबिटीज मेलिटस भी पैनक्रियास से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें बॉडी में बीटा सेल्स हैं जो उसमें से इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में, जो इंसुलिन हार्मोन है वो नहीं प्रोड्यूस हो पाता, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को कम करना. तो अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी जिसे हम डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जानते हैं, या शुगर की बीमारी हम हिंदी में कह सकते हैं शुगर की बीमारी. तो हमें याद क्या रखना है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, पैनक्रियास. एक हमें याद रखना है कि डायबिटीज मेलिटस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, पैनक्रियास. तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया कि पैनक्रियास में दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल्स एक अल्फा सेल्स. तो बीटा सेल से तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल से आप याद रख सकते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे ग्लूकागोन कहते हैं, और जिससे ग्लूकागोन से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है. सो पेनक्रियास के जो बीटा सेल की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और बॉडी में ब्लड शुगर की लेवल बढ़ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायलिसिस इज डन इन द डिजीज ऑफ विच ऑर्गन इन अवर ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी डिजीज है या बीमारी है जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन बॉडी की जो डिटॉक्सिफाइड, जो भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो यूरिया के थ्रू यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, जो यूरिया बन जाता है बॉडी में वो अल्टीमेटली यूरिन के द्वारा बाहर बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, हाँ जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं. सो डायलिसिस अगर हमारी बॉडी में किडनीज का फंक्शन खराब हो जाए जहाँ पे यूरिन जो बनता है, तो उसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है. अगर ये टेम्परेरी तौर पे है तो उसे एक्यूट कंडीशन कहते हैं, यानी वो टेम्परेरी तौर पे किडनीज डैमेज हो चुकी हैं और उसे कहते हैं एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी और एक्यूट किडनी डिजीज. लेकिन अगर किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाए किसी रीजन की वजह से, लाइक जो पर्सन्स डायबिटीज वाले होते हैं जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है, या कुछ पेशेंट जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है, उनमें किडनीज परमानेंटली डैमेज हो जाती है विद टाइम, तो उनमें जो डिजीज होती है उसे कहते हैं सीकेडी, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो जब बंदा क्रॉनिक किडनी डिजीज वाली स्टेज में पहुंच जाता है तो उसमें हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, यानी हमारी बॉडी का जो किडनी का काम है वो एक आर्टिफिशियल मशीन द्वारा किया जाता है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट, किडनी का जो काम है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, वो डायलिसिस मशीन द्वारा किया जाता है. सो हमें क्वेश्चन ये याद रखना है कि डायलिसिस इज डन इन द डिजीज ऑफ विच ऑर्गन इन अवर बॉडी, तो इसका आंसर है किडनीज, यानी किडनीज की डिजीज में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. तो फ्रेंड्स ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच.